मुलायम सिंह यादव को लेकर आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और आज 7 दिन होने को आए हैं और उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। गुरुग्राम में स्थित मेदांता हॉस्पिटल के CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की लगातार निगरानी कर रही है और उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है। मेदांता द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण के साथ ही रक्तचाप की समस्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें सांस लेने की तकलीफ के चलते रविवार को ICU में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होने के चलते एक बार फिर क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और UP विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह का हाल जाना। बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव से विस्तार से बात कर मुलायम सिंह की सेहत के बारे में जानकारी और उनकी सेहत जल्द ही ठीक हो जाए इसके लिए कामनाएं भी की। तो मुलायम सिंह यादव से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।